सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और पीछे आप देख रहे हैं क्या है, पटाया सिटी। तो आज हम लोग पटाया सिटी में हैं और आज जाना है हमें कोहलांड, या फिर कोरल आइलैंड से कहते हैं। तो भाई बोट पे सवार हो गए हैं, 30 भारतीय बोट मिलती है और कुछ ऐसा है ये बड़ा सा बोट का सेटअप। सैंड वाली ये बीच है, डार्विन बीच, और बहुत ही खूबसूरत है। बट बाइक रेंट की हमने जनाब के साथ। सो ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ से कि पूरा का पूरा डार्विन बीच आपको बहुत ही मस्त दिखता है। तो वेलकम टू ताइन बीच, और यहाँ है वाइट सैंड और बहुत ही शैलो पानी। आप आराम से आगे तक जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है यहाँ टूरिस्ट कितने ही कम हैं, बहुत कम। इनफैक्ट क्या है कि इस बीच के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ भी इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो यहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी तो थोड़ी सी, चूँकि सैटरडे संडे का टाइम है तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन अमूमन यहाँ पे भीड़ कम होती है। और सबसे अच्छी बात है कि पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। आप देखो मैं कैसे दिखाऊँ आपको, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। मैं काफ़ी अंदर तक जा सकता हूँ और ज़्यादा ऊपर पानी भी नहीं आएगा। और हाँ, यही वो बीच है जहाँ पर कि आपको कोरल रीफ मिलेंगे, तो यहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग का मज़ा ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आएँ तो थोड़ा सा समय बिताएं। आप ये जो पीछे बैठने की जगह देख रहे हैं मेरे, 50 भात में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं इस नज़ारे का। तो ये है, याद रखिएगा, ताइन बीच। और पहुँचना कैसे है, उसके लिए आप या तो स्कूटर रेंट कर लीजिए, अगर आप स्कूटर नहीं ले सकते तो वो वाली गाड़ी चलती है, शेयर वाली, जो जिसमें कि एक सीट होती है लंबी सी जिसमें सब बैठ जाते हैं। तो आप उस गाड़ी पर बैठ के भी इस जगह का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो है बनाना बोट। बनाना बोट एक्चुअली में कोई बोट वोट नहीं होती, वो एक बनाना के शेप की रबड़ की एक बोट जैसी चीज़ होती है जिसमें कि आप बैठते हैं। और अगर आपका जेट स्की ड्राइवर अच्छा मिला आपको, तो इतने सारे पलटनियाँ आप खाएंगे उसके अंदर, इतना मज़ा आएगा। वो एक्चुअली पानी में पलटने के लिए होता है, पानी में गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर बोट पर बैठते हैं, फिर से गिरते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में। तो वो एक चीज़ है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। जनाब जब आप आएँ तो अपने साथ टोपी जरूर रखेंगे, बहुत सारा सनस्क्रीन लगा लेंगे। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पानी बहुत महंगा है, कोल्ड ड्रिंक सस्ता है, और बस धूप में मज़ा लेंगे इस जगह। वैसे मौसम अच्छा होता ना और भी मज़ा आता। ज़्यादा इतनी धूप है ना कि मेरी आँखें नहीं खुल रही, चाइनीज़ जैसी मेरी आँखें हो गई होंगी ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ताइन बीच से पास में ही एक और बीच है, छोटा सा बीच है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसका नाम है सामे बीच। लेकिन यहाँ टूरिस्ट कुछ ज़्यादा ही हैं। आप अगर ताइन बीच मेरे सामने की तरफ है और उसके बस इस तरफ ये सामे बीच है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। और ये भी वैसा ही वाइट सैंड है, लेकिन इसका सैंड थोड़ा सा आपको रॉक्स ज़्यादा मिलेंगे। तो खाली पैर चल रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखेंगे क्योंकि जो सी शेल्स होते हैं टूटे हुए, वो बहुत सारे यहाँ पे है, कोरल रीफ की बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे, तो पैर में वो लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे, सावधानी बरतेंगे। बाकी ओवरऑल बहुत बड़ा बीच नहीं है, ये छोटा सा बीच है और टूरिस्ट ज़्यादा हैं, तो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। मतलब मैं पहले नंबर पर ताइन बीच को रखूँगा, उसके बाद इसका नंबर आता है। खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पे है, आप बैठ के भी खा सकते हैं, पीछे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनसे भी लेके खा सकते हैं, तो ठीक ठाक है। ओके, तो अभी जो आपने देखा वो है नबान पोर्ट वाला इलाका, और ये रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पे रहने की भी काफ़ी सारी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी आपको, खाने पीने का भी अच्छा सब हिसाब किताब है,
और ओवरऑल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि लोकल्स रहते हैं, तो आप अगर रहना चाहें तो नवान फोर्ट वाले एरिया में रह सकते हैं। बगल में जो नवान फोर्ट है पियर, वहाँ से आपको फेरी भी मिलती है सीधा पटाया के लिए, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से लास्ट फेरी 6 बजे शाम को जाती है। और ये जो पोर्ट देख रहे हैं आप, यही है नवान फोर्ट जहाँ से कि आपको मिलेगी एक और फेरी। तो ओवरऑल यही रहा मेरा पोलैंड का ट्रिप, और होप आपको ट्रिप पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और फिलहाल अब समय हो गया यहाँ से निकलने का। निकलते हैं और हम लोग मिलेंगे कहाँ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो गाइज होप आपको थाईलैंड की वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, और एक्चुअली पुरानी वीडियो है बट देन जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक है। मतलब अगर आप कभी भी जाते हैं तो मोटा मोटी यही सारी चीज़ें होंगी, यही सारी जानकारियाँ होंगी, जो अगर आप जानते रहेंगे तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग अभी मिल रहे हैं, मतलब मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ। ऐप के लिए मैं एक्चुअली कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट लेके आऊँ, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ, शेयर करता हूँ। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्डर की जाए हमारी मोहतरमा के लिए, जिससे कि वो खुश भी हो जाए, और आपको भी मैं शेयर करता हूँ कि आप भी अपनी मोहतरमा को ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पहला है लेनो फेरोस, ये जो कंपनी है, मुझे बहुत अच्छे से नाम तो नहीं पढ़ने में आ रहा, बट देन मुझे बड़ा अच्छा बैग लगा ये, और इसलिए मैंने मंगाया। तो लेनो फेरोस इस कंपनी का है ये, और आई होप पसंद आएगा क्योंकि मैंने चुपके से मंगाया है। और इस बैग की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी लगी मुझे, लेदर की फिनिश है और बहुत छोटा है, मतलब साइज़ अच्छा सा साइज़ है इसका। ऊपर में हैंडल आपको ऊपर से आप देख सकते हो, सिंपल सा है। अंदर में अगर आप मैं खोल के दिखाऊं तो एक ये स्ट्रैप है जिसे कि आप कंधे, मतलब यहाँ साइड में लगा के कंधे पे लटका सकते हैं इसे। और अंदर इसके एक पाउच है, ये एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है और एक जगह है। और जो क्वालिटी है बिल्ड की वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। कलर आप देख रहे हैं हल्का सा पिंक लिए हुए है ये कलर, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेनो फेरोस की तरफ से। प्राइसिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो MRP है वो है 4495, यानी कि 4500 रुपये, 4500 रुपये। लेकिन अमेज़ॉन में चूँकि आपको पता है कि डिस्काउंट चलते रहती है, और अभी तो वैलेंटाइंस डे का भी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये पड़ेगा, मतलब मुझे ये पड़ा है 949, मतलब सिर्फ 950 रुपये में। तो आप समझ रहे हैं कितना भारी डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर। हो सकता है कि आप ख़रीदेंगे उस वक्त डिस्काउंट और ज़्यादा ही मिल जाए आपको। तो ये जो बैग है लेनो फेरोस का, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जाइए आप वहाँ से क्लिक करके इस बैग को ख़रीद सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, जो मैंने दूसरी चीज़ मंगाई है वो है बहुत ही अच्छी, ये टाइमेक्स की वॉच है। टाइमेक्स कंपनी आपको पता है कि वॉच बनाने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत पुरानी कंपनी है। और ये आप देखो, ये वॉच, ये देखो पास से देखो आप, बहुत ही खूबसूरत वॉच है। रोज़ गोल्ड कलर है इसका, और मैं इसका क्लोज़अप भी आपको अभी दिखाता हूँ। वॉच की लुक एंड फील बहुत अच्छी है, टाइमेक्स एक बहुत ही अच्छा ब्रांड, और उसकी तरफ से ये घड़ी आती है। पीछे में अगर आप देखें तो इसके एक होलोग्राम भी लगा हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो 3395 रुपीज़, यानी कि 3400 रुपीज़ की ये वॉच है, जो कि मुझे डिस्काउंट के बाद अमेज़ॉन पे मिली है 2699, मतलब 2700 रुपये की ये घड़ी है, और बहुत ही बेहतरीन घड़ी है। अगर आप ऐसी घड़ी जाएँ शोरूम में लेने के लिए तो आपको प्राइस पे ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अमेज़ॉन से अगर आप ख़रीदते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है। चाहे तो किसी को ये गिफ्ट कर सकते हैं, या आप अगर खुद के लिए भी लेना चाहते हैं तो ये वॉच बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं ये दोनों प्रोडक्ट, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए और मेरे लिंक से क्लिक करके और ये प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घूमते रहिएगा जनाब।